कायस्थ सेना की मासिक बैठक रविवार को विजय चौक स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई। इस दौरान कायस्थ सेना के पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं ने कायस्थ सेना के कार्यकर्ताओं से वर्तमान में चल रही सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं को आम व गरीब जनता तक पहुंचाने व उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए अपील किया और साथ ही कायस्थ सेना की ओर से गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान सुनिशा श्रीवास्तव, सुमन वर्मा, रोहिणी श्रीवास्तव, रचना श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव ने कहा, आवश्यकता है सकता है मीटिंग की शुरुआत की जाती है। हम चाह रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव कायसेना की आदरणीय स्नेहलता श्रीवास्तव जी आदि आबादी का जो हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं विधि प्रकोष्ठ, इस बैठक में हमारे बक्सा बीके श्रीवास्तव मैं इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक कायसेना। कायसेना की बैठक जो है, हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कायसेना का गठन किया है हम लोगों ने, और कायसेना का जो बैठक हम लोग कर रहे हैं पूरे समाज के उत्थान के लिए, जो भी गरीब परिवार के लोग जिसके पास पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था या किसी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके लिए परेशान है, उसको हम लोग उसका समाधान करके और उनको जो है सही रास्ते पर आने का काम करेंगे। कायसेना ऐसा कार्य करने जा रही है, ऐसा सामाजिक कार्य करने जा रही है जिसमें महिलाओं से भी संबंधित कई कार्यक्रम हैं। हमारी महिला बहन जो पीड़ित हैं परिवार से, अपने आपस में लड़ रहे हैं, कोर्ट में जाके उसका विवाद सुलझ नहीं पा रहा है, तो उसको सुलझाने का कार्य हम लोग प्रथम दृष्टया करने जा रहे हैं। और आपस में जो हमारे चित्रांश परिवार के लोग हैं, जो आपस में उलझे हैं या उनको कोई परेशान कर रहा है, उसके समाधान के लिए ये कायसेना काम कर रही है। और समाज में किसी भी क्षेत्र में या किसी भी परिवार में या किसी भी जाति के लोग हों, हम लोग उसका सपोर्ट करके उसे सही रास्ते पर लाने का कार्य करेंगे। जो भी यदि कोई गलत रास्ता अख्तियार कर रहा है या गलत रास्ते पर जा रहा है या किसी कोई गलत उसको समझा रहा है या गलत कोई उपयोग हुआ है जैसे नशीली दवाएं या इस तरह के उपयोग कर रहा है, तो हम लोग उसको उसका समाधान और उसको सुधारने का कार्य कायसेना करेगी। कायसेना सामाजिक हमारी 8 स्टेट में कार्य कर रही है, पटना में कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, दिल्ली में, फिर पंजाब में, फिर उत्तरांचल में और अहमदाबाद में हमारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग और इसको आगे धार देने का कार्य करेंगे। कायसेना अपने आप में एक अलग ऐसी संस्था है जो किसी प्रकार की ऐसा जो है उग्र हो के या किसी चीज़ को ऐसा नहीं उलझाना चाहती है, किसी भी तरह का समस्या हो उसे सुलझाने का कार्य करेगी कायसेना सामाजिक। हमारे साथ पूरे प्रदेश में 2 करोड़ कायस्थ हैं, 2 करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश में कायस्थ हैं और वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं पूरी तरह। हम लोग सबसे पहले राजनीतिक या सांस्कृतिक और किसी भी जैसे कोई संस्था हो उससे हम लोग जुड़ने का कार्य करेंगे और उसको हम लोग समर्थन करेंगे। और राजनीति से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो राजनीति में लोग हैं यदि हम लोगों से कोई समर्थन लेना चाहते हैं या इस तरह का कोई समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़ा होंगे। लेकिन हमारा जो कायसेना है किसी भी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, सबसे पहले ये जान लीजिए। हम लोग कायसेना सामाजिक शुद्ध रूप से ये समाज सेवी संस्था है जो अपने आप में एक अलग इसका पहचान है। कहीं भी कोई समस्या होता है किसी भी समाज का, किसी भी जाति का, तो कायसेना उसके लिए
कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करती है और खड़ी रहती है। उसका किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो किसी के हमारे बंधु का कोई गलत तरीके से उसका मकान कब्जा कर रहा हो, या वो जैसे हमारे गोरखपुर शहर में हमारे एक विधायक हैं, यहाँ के जन समस्याओं को लेके नहीं जूझ रहे, वो जन समस्या जनता के बीच समस्या पैदा करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान नहीं, जनता के बीच समस्या पैदा करना चाहते हैं। अभी परसों की बात है, हमारे पास कुछ प्रतिनिधि आए हुए थे, मतलब जनता के लोग आए हुए थे, बताया ये समस्या है, तो हमने कहा इसको जो है हम लोग सदन में उठवाएंगे भी और समस्याओं का समाधान कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय काशीनाथ।